नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, हर छोटी बड़ी खबरें, ताज़ा खबरें सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। साथ ही घंटे का बटन अवश्य दबा ले, जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके आपके पास। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं उभरता हुआ न्यूज़ चैनल। तो चलिए चलते हैं अपनी खबरों पर। राशन कार्ड धारकों को लेकर अभी ये भी आई बेहद बड़ी खुशखबरी। राशन कार्ड धारकों की बल्ले बल्ले, सरकार खाते में ट्रांसफर करेगी गैस सिलेंडर के पैसे। तो दोस्तों, बेहद ही बड़ी खुशखबरी सभी राशन कार्ड धारकों को लेकर निकल कर आ रही है। क्या है पूरी अपडेट बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं और उत्तराखंड के निवासी हैं तो ये खबर आपको खुश कर देगी। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को हर साल की तरह नए वित्तीय वर्ष में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। 31 मार्च को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर में सरकार ने अंत्योदय राशन कार्ड रखने वाले परिवारों को 3 सिलेंडर साल भर में फ्री दिए थे। योजना के अंतर्गत पहला गैस सिलेंडर अप्रैल से जुलाई के बीच, दूसरा अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरा दिसंबर 2023 से मार्च 2024 के बीच में बिल्कुल मुफ्त में दिया जाएगा। दोस्तों, योजना के अंतर्गत सिलेंडर भरवाते समय लाभार्थी को पैसा देना होगा, बाद में उनके खाते में सरकार की तरफ से पैसा डाला जाएगा। सरकार की तरफ से बताया गया है कि इसके लिए विभिन्न जिलों के सभी अंत्योदय राशन कार्ड धारकों की मैपिंग की जा चुकी है। यदि आप भी योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो सभी जरूरी दस्तावेजों को पूरा करने के बाद राशन कार्ड धारक को गैस एजेंसी में सिलेंडर का पैसा जमा करना होगा और बाद में राशन कार्ड धारक के खाते में DBT के जरिए पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके तहत यह भी नियम है कि यदि अंत्योदय राशन कार्ड धारक 4 महीने के अंतराल में अपना गैस सिलेंडर रिफिल नहीं कराता है, ग्राहक का निःशुल्क कोटा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। यदि किसी अंत्योदय राशन कार्ड धारक के पास गैस का कनेक्शन नहीं है तो उन्हें गैस का नया कनेक्शन लेना होगा। यदि आपके पास गैस कनेक्शन है तो इसे आपको राशन कार्ड से लिंक कराना होगा। राशन कार्ड के गैस कनेक्शन से लिंक नहीं होने पर आपको फायदा नहीं मिलेगा। राज्य सरकार की तरफ से अंत्योदय राशन कार्ड धारकों की लिस्ट पहले ही तैयार की जा चुकी है। जिलेवार अंत्योदय राशन कार्ड धारकों की लिस्ट की स्थानीय गैस एजेंसियों को भेज दिया गया है। इससे प्रदेश के 1,84,000 अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को फायदा मिलेगा। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से, और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुंच सके आपके पास सबसे पहले।